नमस्कार, हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम, सेकंड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट एट स्किम्स श्रीनगर। सो लॉट ऑफ यू गाइस वो आस्किंग मी कि प्लीज़ एक इंटरनल गर्ल्स हॉस्टल का टूर करा दो, एक हॉस्टल टूर करा दो स्किम्स के। सो फाइनली आई एम हियर विद दैट वीडियो। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जब हम फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आए थे तो हमें आते ही इंटरनल हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था। रीज़न बिंग कि यहाँ पे एकोमोडेशन की बहुत कमी है। तो जब हम आए थे तो हमें एक कॉलेज से ही कनेक्टेड एक हॉस्टल है छानापुरा में, वहाँ पे गर्ल्स को फर्स्ट ईयर एमबीबीएस गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है। तो एक साल वहाँ पे काटना पड़ता है, या अगर आपको पीजी में बाहर कहीं रहना है तो वहाँ पे भी रह सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग वन ईयर जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तब हमें इंटरनल गर्ल्स हॉस्टल अलॉट होता है। तो यहाँ पे जो जूनियर मोस्ट बैच है वो हमारा ही बैच है। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वीडियो होगी हमारे हॉस्टल टूर की। नहीं, ये बहुत ही बेसिक सा प्लॉट है जिसमें मैं सिंपल लोकेशंस बता रही हूँ और चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या हमारे हॉस्टल में चीज़ें प्रेजेंट हैं। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो हैव अ लुक and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Keep watching. Thank you. तो ये है हमारे स्किम्स इंटरनल गर्ल्स हॉस्टल जाने का रास्ता, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ प्रेजेंट हैं, कुछ खटारा कुछ अच्छी, एम्बुलेंसेज वगैरह हैं, और ये मेन हमारा रास्ता है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये हमारा JVC बेमिना का हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल, जो कि इक्वली डिस्टेंट है फ्रॉम आवर हॉस्टल एज वेल एज़ कॉलेज। अब मैं जा रही हूँ सीधा अपने हॉस्टल की डायरेक्शन में और आपको दिखाऊँगी अपना प्यारा सा खूबसूरत सा हॉस्टल। देखो, ये बाहर हमारा मेन गेट है हमारे गर्ल्स हॉस्टल का, और जो कि फोर व्हीलर्स के लिए भी है और हमारे आम लोगों के लिए अंदर बाहर जाने के लिए छोटा वाला गेट जहाँ से हम अंदर बाहर जाते हैं। अंदर घुसते ही हमें सबसे पहले ऐसा खूबसूरत सा व्यू दिखता है जहाँ पे पार्क है, खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हैं। ये जो है ये है हमारा रजिस्टर जहाँ पर हमें टाइमिंग इन की और आउट की टाइमिंग लिखनी होती है। और ये है हमारे गार्ड अंकल का रूम जहाँ से वो हर लेट कमर को आते हुए पकड़ते हैं और उन्हें अच्छे से डांट वांट लगाते हैं ताकि वो दोबारा से लेट ना हो। यहाँ पे हमारे पार्सल्स वगैरह आते हैं जो भी हम अमेज़ॉन, मिंत्रा या इवन स्माइटन से भी, आजकल स्माइटन का काफ़ी दौर चल रहा है तो जो भी मंगाते हैं तो वो यहीं पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिसेज वगैरह लगते हैं जो लेट कमर्स आए हुए होते हैं उनके नाम पर, और इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो तो वो यहीं पर लगता है हॉस्टल के रिगार्डिंग। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास फोर व्हीलर है या अपनी पर्सनल गाड़ी है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग एरिया प्रेजेंट है। और ये हमारे हॉस्टल में अभी नए नए प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत से फूल लगे हैं जो कि हमारे हॉस्टल को चार चांद लगा रहे हैं। और ये अब मैं जा रही हूँ सीधा अंदर, और ये मैं जा रही हूँ अब हॉस्टल के अंदर। आज हमारा हॉस्टल खाली खाली सा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि एक तो संडे है, दूसरा रीज़न अभी G20 समिट चल रहा है कश्मीर में, तो उसकी वजह से भी बच्चे घर वर गए हुए हैं, घूमने घूमने गए हुए हैं इधर उधर, तो हॉस्टल में तभी कोई दिख नहीं रहा है। और मुझे इससे अच्छी टाइमिंग कोई दिखी नहीं, मुझे लगा यही बेस्ट टाइमिंग है क्योंकि कोई मिलेगा नहीं, चुपचाप से वीडियो बना लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि एक हॉस्टल टूर होना चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं खुद भी यहाँ आने से पहले एक हॉस्टल टूर चाहती थी बट मुझे नहीं मिला, अफसोस। कोई नहीं, अब देखो जैसे हम जैसे हॉस्टल में एंटर करते हैं तो ये हमारा एक कॉमन रूम आता है फॉर ब्लॉक ए एज़ वेल एज़ ब्लॉक बी जाने के लिए। ये रेड रेड में हमारे एंटी रैगिंग के बारे में, रैगिंग के बारे में, उसकी पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है। सो ये हमारे कॉमन गैलरी है, ये ब्लॉक ए जाने का रास्ता है और वो ब्लॉक बी जाने का रास्ता है। और इसी कॉमन रूम से अटैच्ड हमारे पास एक स्टडी रूम आता है जहाँ पे लड़कियाँ 24/7 जब मन चाहे कभी भी पढ़ने आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो शांति होती है, अच्छा खासा माहौल होता है। इसके अलावा इस रूम में बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह भी की जाती हैं जो कुछ ओकेजन वगैरह हो तो। ये मैं फिर से एंट्री कर रही हूँ आप लोगों को मेन रास्ता दिखाने के लिए क्योंकि पहले मैं साइड वाले रास्ते से आई थी। ये बाहर पार्किंग एरिया है, ये कपड़े सुखाने के लिए है, काफ़ी जगह है यहाँ पे। और ये वही दोबारा से हम अपने कॉमन रूम में आ जाते हैं। ये ब्लॉक ए का रास्ता था, वो ब्लॉक बी का रास्ता था। हाँ, यहाँ कॉमन रूम में एक हमारे पास छोटी सी जिम है, जिम के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक यही चीज़ है और दो डंबल्स भी प्रेजेंट थे, वो डंबल्स शायद लड़कियों ने रूम में ले लिए हैं। इसका यूज़ यहाँ पे सिर्फ यही है कि इसको एज अ सीटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। जब भी हम कॉमन रूम में होते हैं और हम थक वक गए या कुछ हो गया तो हम यहाँ पे आके चुपचाप से बैठ जाते हैं। अब हम चलते हैं ब्लॉक ए में जो कि मेरा ब्लॉक है क्योंकि मैं इसी ब्लॉक में रहती हूँ। ये हमारा छोटा सा किचन है
मेन जो डिफरेंस है बिटवीन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी वो यही है कि ब्लॉक ए के रूम्स बड़े हैं तो यहाँ पे एक रूम में 3 लोग रहते हैं, ब्लॉक बी के रूम्स जो हैं वो छोटे हैं तो वहाँ एक रूम में 2 लोग रहते हैं। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों ब्लॉक्स का, चाहे वो ब्लॉक ए है या बी है, वो सेम ही है। ये मेरा रूम है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर पहला ही रूम सीढ़ियाँ चढ़ते ही मिलेगा, वो मेरा ही रूम है। अगर आपको रूम टूर भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी करूँगी। इसके अलावा मैं अब आपको वही बेसिक जो हमारा हॉस्टल है वो दिखा रही हूँ। ये हमारी गैलरी है, उससे अटैच्ड रूम्स हैं, किचन्स हैं। ये देखो, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 सीढ़ियाँ, एक ये आगे वाली और ये पीछे वाली। तो मतलब जो आगे वाले लोग हैं वो आगे वाली सीढ़ी से जाते हैं, पीछे वाले पीछे वाली सीढ़ी से जाते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने सेकेंड फ्लोर में। ये वॉशरूम है, ऑब्वियसली बातें वॉशरूम में अंदर से दिखाने नहीं वाली हूँ। और ये हम जा रहे हैं अपने सेकंड फ्लोर में। ये मैं आपको विंडो से बाहर का व्यू दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया ताकि आप भी देखो कि अच्छा खूबसूरत सा व्यू दिखता है अपने हॉस्टल से बाहर। ये जो आपको ऊपर पाइप लाइन्स नहीं दिख रही हैं, ये है एक्चुअली में हीटिंग सिस्टम जो कि हमारे हॉस्टल के विद इन अंदर ही प्रेजेंट है। इसका ये फ़ायदा है कि जब सर्दियों में बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है तो हम अंदर मतलब एक स्वेटशर्ट में आराम से घूम सकते हैं। ये देखो, ये है हमारा किचन जहाँ गीज़र हर किचन में प्रेजेंट है, तो यहाँ 24/7 गर्म पानी मिलेगा किचन्स में भी प्लस वॉशरूम्स में भी। देखो ये हीटिंग सिस्टम है, इसकी वजह से अच्छी खासी गर्मी प्रोड्यूस होती है विद इन द हॉस्टल। तो मतलब सर्दियों में हमें ठंड की परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, हम इवन एक एक स्वेटशर्ट में घूम सकते हैं। मतलब बाहर बर्फ़ गिर रही होती है, अंदर पसीना आ रहा होता है, ऐसी हालत हुई होती है। अब मैं आपको लिख के चलूँगी ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी में भी जाने के लिए हमें सेम कॉमन रूम से होते हुए जाना होता है। ये वही हमारी छोटी सी जिम है। और ब्लॉक बी में भी लगभग सेम ही चीज़ें, सेम ही बेसिक प्लॉट, जो बेसिक स्ट्रक्चर था हॉस्टल का वो सेम ही है। यहाँ पे भी 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, ये किचन था और गैलरी है, गैलरी के साथ अटैच्ड किचन्स हैं और रूम्स हैं, रूम्स के बाहर शूज़ वगैरह रखने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह है। ये देखो, ये एक और किचन आ जाता है। हर फ्लोर में मिनिमम 2 किचन है और 1 कॉमन वॉशरूम है। और ये सीढ़ियाँ हमें फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, यहाँ पे भी सेम वही हीटिंग सिस्टम है ताकि सर्दियों में स्टूडेंट्स को ठंड वगैरह ना लगे। और ये रही मैं चीज़ों को शांति से कैप्चर करते हुए सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने उस वक्त चीज़ें सिर्फ कैप्चर की थी शांति से ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने रूम में कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, तो ये बेसिक एटिकेट होता है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर की है मैंने इस पूरे व्लॉग के ऊपर। आई थिंक हर इंसान को हॉस्टल लाइफ ज़रूर जीनी चाहिए क्योंकि हॉस्टल लाइफ इज़ फन, इट्स लाइक हैविंग अ न्यू फैमिली। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, फ्रॉम हाउ टू डू लॉन्ड्री, स्पेंड मनी, हाउ टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड लॉट मोर। ये हमें ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका देता है। सो इसी तरह से अब हम मेस में पहुँच चुके हैं। ये हमारी मेस है जो कि काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे अच्छी खासी टेबल चेयर्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के खाना खाते हैं। हमें 3 टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके अलावा शाम की चाय भी मिलती है। और मेस से बाहर निकलते ही हमारे पास 2 रास्ते आते हैं। एक जो हमारी ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी की बिल्डिंग जो दिख रही है, ये है हमारा एक रास्ता। और ये दूसरा रास्ता जहाँ से हमें अपना पार्किंग, यहाँ हमें फ़िल्टर्ड पानी मिलता है। और ये बाहर का वही पार्किंग एरिया, पीछे कपड़े सुखाने के लिए अच्छा खासा एरिया, ये बाउंड्री है। और ये फिर से वही हमारा आ जाता है रास्ता जो हमारे मेन रास्ते से जुड़ता है। ये यहाँ पे बेंचेस हैं जहाँ पे हम अक्सर बैठा करते हैं। हॉस्टल लाइफ जीते जीते माय एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज्ड, आई बिकेम सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड माई माइंड सेट टुवर्ड्स लाइफ ऑल्सो चेंज्ड। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल लाइक अस, लाइक जो मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारी बाहर की पार्क है, बहुत प्यारी सी, ये सबसे बड़ा पेड़ है जहाँ पे हम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटोज़ लेते हैं। और ये बेंचेस हैं, इन पार्क्स में शाम के टाइम पे अच्छी खासी भीड़ होती है क्योंकि सब वॉक करने आते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योगा करने और बैडमिंटन खेलने वगैरह भी आते हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम रूम में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो हम पार्क में आते हैं टू रिफ्रेश आवर माइंड्स। और अब ये हमारे कॉलेज का सिनेमैटिक व्यू। ये पीछे वाली सीढ़ियाँ दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम इन सीढ़ियों से ऊपर भी जाते हैं कभी कभी चोरी चोरी, छुपके छुपके, जिससे गार्ड अंकल को पता ना चले। हम ऊपर जाके बस हम मतलब जब मन करता है हम चले जाते हैं, ऊपर से नज़ारे वज़ारे देख के आ जाते हैं चुपचाप से।
हॉस्टल लाइफ ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि हाउ टू एंजॉय योर ओन प्रेजेंस इन अ कम्प्लीटली स्ट्रेंज प्लेस। हालांकि यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और ये शाम के टाइम का व्यू है जब हम बैडमिंटन खेलते हैं और सब वॉक वगैरह करते हैं। मुझे हमारे हॉस्टल की सबसे अच्छी चीज़ हमारी ये बाहर की पार्क लगती है, क्योंकि जब भी हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं या थोड़े से मतलब परेशान वगैरह हो, तो हम जब इस पार्क में आते हैं ना, हमें एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है और बहुत बहुत शांति महसूस होती है और वो विदन फील होती है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हॉस्टल। सो फाइनली आप सब लोगों के कहने पर मैंने ये स्किम्स इंटरनल गर्ल्स हॉस्टल टूर किया। हालांकि मुझे आज नहीं तो कल ये करना ही था, रीज़न बीइंग क्योंकि जब मुझे खुद स्किम्स श्रीनगर कॉलेज और हॉस्टल अलॉट हुए थे तो मुझे कोई आइडिया नहीं था किस टाइप का कॉलेज और किस टाइप का हॉस्टल मुझे मिलेगा, मैं कैसी जगह पे रहने जा रही हूँ। मेरा दूर दूर तक यहाँ पे कोई नोन था नहीं, तो ये स्पेशली बाहर वाले लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, उनको काफ़ी हेल्प आउट करेगा, एक आइडिया देगा कि किस टाइप का हॉस्टल उन्हें मिलेगा। नाउ इट्स योर टाइम टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब सो दैट एवरीवन एल्स कैन नो अबाउट इट, एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।